नमस्कार किसान भाइयों, आज के दलोदा मंडी से हम सुबह के आवक की अपडेट जान लेते हैं कि सुबह में आवक दलोदा मंडी के अंदर आज की हमें किस प्रकार की देखने को मिली है। दोस्तों, दिन है आज का 23 अक्टूबर 2024 का और आज के दलोदा मंडी से हर प्रकार के जिंसों की आवक की रिपोर्ट जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। मैं विष्णु पाटीदार, आज की आवक की स्थिति जान लेते हैं। बाकी सोयाबीन को छोड़कर और लहसुन को छोड़कर अन्य जो भी जिनसे दलोदा मंडी के अंदर बिकने के लिए आती हैं उनमें आवकों का ज़्यादा प्रेशर आपको देखने को नहीं मिलेगा। उनमें तो आवक काफ़ी सामान्य हमें मंडी के अंदर देखने को मिल रही है, आराम से वो माल मंडी के अंदर बिक सकते हैं। लेकिन जो आवक का प्रेशर मंडी के अंदर अभी जो हमें देखने को मिल रहा है वो लहसुन और सोयाबीन के अंदर है। दोनों में अगर अभी की स्थिति को देखा जाए तो दोनों की जो स्थिति मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले सोयाबीन की अगर बात करता हूँ दोस्तों, तो गेट के पास वाला जो फील्ड है वो भी लगभग पूरी तरह से फुल हो चुका है मंडी का, और टंकी के सामने वाला वो जो फील्ड है वो भी लगभग पूरी तरह से फुल हो चुका है। अब जो भी सोयाबीन जो भी मंडी के अंदर खाली हो रहा है वो थोड़ा गलियों में जो जगह है उनके अंदर अब सोयाबीन खाली होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। बाकी जो भी जगह आपको देखने को मिलेगी दोनों फील्ड लगभग पूरी तरह से फुल हो चुके हैं सोयाबीन के अंतर्गत। ये आज की स्थिति में आपको सुबह की अपडेट बता रहा हूँ, सुबह में ही अपडेट आपको देखने को मिल रही है और इसी अपडेट के अनुसार दोनों फील्ड फुल हो चुके हैं। कुछ भी जगह अगर आपको देखने को मिलेगी सोयाबीन के फील्ड के अंतर्गत तो आपको वो थोड़ी बहुत गलियां हैं उसके अंदर जगह देखने को मिलेगी। बाकी दोस्तों, अब बात करते हैं लहसुन की स्थिति की, तो लहसुन में आवकें आज भी फिर से बढ़ती हुई हमें देखने को मिली हैं। मेन शेड तो लगभग पूरी तरह से फुल हो ही चुका है, उसके अंदर तो कहीं देखा जाए तो इक्का दुक्का बोरी का स्पेस होगा तो कहीं देखने को नहीं भी मिल रहा है। तो ये आप देख समझ रहे हैं कि मेन शेड तो आपको पूरी तरह से फुल देखने को मिलेगा। नीचे वाले शेड की अगर बात करता हूँ उससे में भी एक साइड की पट्टी पूरी तरह से फुल है और उससे नीचे वाली पट्टी में भी माल खाली होना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, मैं अगर आपको बताऊं तो उसमें भी ज़्यादा स्पेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल वाहनों को मंडी के अंदर प्रवेश मिल रहा है जिस पर अनुसार मैं आपको अपडेट दे रहा हूं, लेकिन आगामी स्थिति मंडी की किस प्रकार की है वो देखने लायक होगा, क्योंकि आवक बढ़ चुकी है मंडी के अंदर। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो भी फील्ड ज़्यादा नहीं, कुछ ही टाइम में वो भी फील्ड कुछ गाड़ियाँ खाली हो रही हैं तो वो फील्ड भी कुछ ही टाइम के अंतर्गत भर जाएगा। अगर आगे की स्थिति मंडी प्रशासन गेट बंद करता है क्या स्थिति होगी, जित और रिलाम खाली हुआ चलता है उस और खाली होता है या माल किस प्रकार की स्थिति होगी वो मैं आपको आगामी जानकारी के अनुसार सूचित करूँगा। अब भी की अगर आवकों की स्थिति अगर जान करते ग्रुपों में जो रिपोर्ट चल रही है बिल्कुल भी सही नहीं है दोस्तों, जो कि दलोदा मंडी की मैं खासकर अपडेट आपको बता देना चाहूँगा। बिना किसी अपडेट के माध्यम से मैं आपको जानकारी नहीं देता हूँ और जो भी ग्रुपों में अपडेट चल रही है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ग्रुपों में बताया जा रहा है कि दलोदा मंडी में 3000 कट्टू की आवक है तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। दलोदा मंडी की अगर आवकों की बात करता हूँ दोस्तों, तो फील्ड लगभग पूरी तरह से फूल है। 4500 कट्टों के तकरीबन आप आवक दलोदा मंडी की मान लीजिएगा, कुछ भी माल मंडी के अंदर आ रहा है तो आप समझ सकते हैं इसके अंतर्गत की जो आवक मंडी के अंदर देखने को मिली 5000 कट्टों के आसपास की आवक मंडी के अंदर हो जाएगी। अभी कुछ फील्ड मंडी के अंदर थोड़ा खाली देखने को मिल रहा है। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक किसान मित्र तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप पहली बार जानकारी देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि दोस्तों आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सभी किसान भाई दलोदा मंडी से सारी जानकारी देख पाएँ।